यह पाकिस्तान का नंबर वन वेब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में आपके साथ मैं हूँ सिद्रा सती, और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त कानिता इम्तियाज जी। नाजरीन, आप जैसे कि देख रहे हैं इस वक्त आपके सामने जो है शहरयार और उनसा मौजूद नहीं है। शहरयार और उनसा कुछ निजी मसरूफियत की वजह से जो है कुछ दिन तक आपके सामने नहीं होंगे, जब तक आपको हमारा चेहरा देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा या फिर भुगतना पड़ेगा, बर्दाश्त भी तो कर सकते हैं ना, अब ऐसी बात भी नहीं है। अच्छा जी नाजरीन, तो आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे इसका मैं कानिता से पूछती हूँ। कानिता बताएं आज हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल हॉट टॉपिक चल रहा है कुलभूषण यादव, तो आज हम उस पर आवाम से बात करेंगे। उनके केस का फैसला आना था आज, तो हम आवाम से पूछेंगे कि आवाम कुलभूषण यादव के लिए क्या सज़ा तजवीज़ करते हैं। चल के आवाम से पूछते हैं। ये भी जानते हैं कि अवाम का जो फैसला होता है वो सबसे ज़्यादा अहम होता है। कोई भी चीज़ जो है ना अवाम के फैसले के अलावा जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। अदालतें तो फैसला दे देती हैं, लेकिन तारीख गवाह है कि बहुत बहुत बड़े बड़े सियासतदानों को भी ज़मीन पे लाने वाली अवाम ही है। तो देखते हैं, अवामी राय जानते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज़्मा है। जी ये बताइएगा कि आज जो है वो सज़ा जो है उसकी उसका फ़ैसला सुनाया जाएगा, आपके ख्याल में क्या सज़ा मिलनी चाहिए कुलभूषण यादव को? उसको फांसी होनी चाहिए और ऐसे जासूस को नहीं छोड़ना चाहिए, और ये पाकिस्तान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और पाकिस्तान का दुश्मन है, और दुश्मन का जासूस है और उसको बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। अच्छा, आप कैसे देखती हैं कि अगर इसकी जगह पाकिस्तान का कोई मुसलमान होता या कोई पाकिस्तानी बंदा होता तो आपको क्या लगता है कि क्या फैसला आ सकता था? उसको तो मार ही देते हैं, हमारे कैदियों को तो मार के लाशें आती हैं वहाँ से, तो लेकिन इंसाफ है, इंसाफ करना चाहिए, और जब अदल और इंसाफ होगा तो दुनिया में खुद ब खुद अदल आएगा, इंसाफ आएगा और दूसरे लोगों को नसीहत होगी। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर शहाब काजी। डॉक्टर शहाब साहब, अच्छा, जिस तरह के आपको पता है कि कुलभूषण यादव जो है वो एक हिंदुस्तानी जासूस है, उसके केस का आज फैसला आना था, तो हम आवाम से पूछ रहे हैं कि आवाम उनके लिए क्या सज़ा तजवीज़ करती हैं, तो आपके ख्याल में उनकी क्या सज़ा होनी चाहिए? जो उसने नुकसान पहुंचाया है, जो दहशतगर्दी उसने की है, उस हिसाब से उसको सज़ा फांसी की होनी चाहिए, डिज़र्व करता है वो, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन तो है ही नहीं। अगर कुलभूषण यादव की जगह पाकिस्तान का कोई मुसलमान बंदा होता जो कि बाहर जाकर इस किस्म के काम सर अंजाम देता, तो उसके साथ क्या करते? देखें, वहाँ का हीरो अगर वो इंडिया के लिए हीरो होगा, हमारे लिए डेफिनेटली उसने नुकसान पहुंचाया, वो इंट्रूडर है, दहशतगर्द है हमारे लिए, तो उसको वो सज़ा। और ऐसे ही अगर कोई मुसलमान करता है वहाँ पे जाके, तो उसके लिए भी लॉ तो सबके लिए एक ही होना चाहिए ना। जी, थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। साहब, ये बताइएगा कि कुलभूषण यादव का जो है फैसला आज आ रहा है, तो आपके ख्याल में अगर आप बींग एन अवाम, आपके हाथ में कुलभूषण यादव का फैसला दिया जाए तो आप क्या फैसला देंगे? हम तो उसे सजाए मौत देंगे, हम भी, जैसे हमारी फौजी अदालत ने उनको सजाए मौत दी है, क्योंकि उसने जो हरकतें की हैं यहाँ पर वो तो अच्छी नहीं थी, उससे कई लोग, हज़ारों लोग मारे गए उसमें, वो बम धमाके भी उन्होंने किए हैं, बहुत उन्होंने करवाए, मतलब है तो इसके पे। अच्छा, ताकि ये देखें, भारत जो है वो पाकिस्तान का कबूतर भी उनकी बॉर्डर को पार कर ले तो उस पर जासूस का इल्ज़ाम लगा देता है, इल्ज़ाम लगाते हैं, वो इतने खौफजदा हैं हमारे से, आप ये देखें, इतने खौफजदा है कि हमारे कबूतर तक के ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ उन्होंने। हाँ, तो फिर आपके ख्याल में जो है आप जो हैं उसको सजाए मौत दे देते? हाँ बिल्कुल, मैं तो फौरन लटका देता उसको, ये तो उन्होंने बहुत देर कर दी, इतनी देर तो करनी भी नहीं चाहिए थी। अच्छा, पहले लटका देते? हाँ, मैं तो पहले ही लटका देता उसको, उन्होंने बहुत देर कर दी, फौजी अदालत ने बहुत देर कर दी, इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था। चलें, बहुत शुक्रिया आपका सर। क्या नाम है सर? अब्दुलरहमान। अच्छा अब्दुलरहमान साहब, जैसा कि कुलभूषण यादव का सबको पता है आवाम को कि क्या सिलसिला चल रहा है काफ़ी अर्से से, आज उनके केस का फैसला आना है, तो हम आवाम से पूछ रहे हैं कि अगर आवाम के हाथ में इनका फ़ैसला दिया जाता, आवाम के ख्याल में उनकी क्या सज़ा वो तजवीज़ करते, तो आप बताइएगा कि आप क्या सज़ा तजवीज़? मेरे ख्याल से सज़ाए मौत देनी चाहिए उसको। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से इस किस्म की कोई हरकत हुई होती तो क्या किया जाता? वो हमें डेड बॉडी भेजते हैं हमेशा की तरह, आपको पता ही है, हमने उनका बंदा छोड़ा है, उन्होंने क्या भेजा है, हमारे डेड बॉडी भेजी है ना, तो हमने भी चाहिए ना कि अब जो है वर्ल्ड अदालत में चला गया उनका केस, तो उन्हें चाहिए ना, उनको सजाए मौत देनी चाहिए। थैंक यू सो मच। उम्र कैद तो बनती है ना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। क्या नाम है आपका?
जमाल खानजादा। जमाल खानजादा, ये बताइएगा कि अभी कुलभूषण यादव का जो है फैसला वो आने वाला है, आप एक आवाम हैं, अगर आपके हाथ में कुलभूषण यादव का फैसला दिया जाता तो आप क्या फैसला देते? मेरा ख्याल है जो शख्स मुल्क की जासूसी में इन्वॉल्व हो, जो जितने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कराई हैं कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान में, ख़ासकर बलूचिस्तान के अंदर, जिसके नतीजे में हमारे हज़ारों इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, इंक्लूडिंग मतलब फौजी तनसीबात पे हमला, आईएसआई हेडक्वार्टर्स पे हमले किए हैं, उसमें रा का हाथ था, और बीइंग द कमांडर ऑफ इंडियन नेवी, मेरा ख्याल है कि उसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, उसको एटलीस्ट फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और अगर आपके हाथ में फैसला दिया जाता आप क्या सज़ा देते उसे, आप आवाम के तौर पे? मैं आवाम के तौर पे, बहसियत आवाम के तौर पे मैं वही सज़ा देता जो पाकिस्तान का कानून देता है उसको सज़ा, और जासूसी की सज़ा मौत है तो मौत से कम पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट से कम पे किसी सूरत कम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना आवाम की यही राय है कि पाकिस्तान के कानून के तहत जो है कुलभूषण यादव को सज़ा होनी चाहिए और सख्त से सख्त फैसला सुनाना चाहिए, ताकि भारत आइंदा किसी भी किस्म की हथकंडे इस्तेमाल करके पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश ना करे। ख़ुद तो वो पाकिस्तानी कैदियों को पकड़ के जो है वो अपने आप ही सज़ा दे देता है, लेकिन अब उसका जो हमारे पास दुखती रग आई है तो उस पर बड़ा बुलबुला उठा है। आपको क्या कहा है लोगों ने कानीता? बिल्कुल, जिस तरीके से सिद्रा बात कर रही हैं, हमने आवाम से जो भी राय ली है उनकी राय में काफ़ी ज़्यादा जो है वो गुस्सा है, और किसी सूरत किसी तौर कोई रियायत नहीं चाहते हैं कुलभूषण यादव के लिए। कोर्ट का फैसला आने का इंतज़ार करते हैं, होप करते हैं कि जो भी फैसला हो वो हमारे हक़ में बेहतर हो और उनके हक़ में भी बेहतर हो, क्योंकि जो सही है वो तो सही है और जो गलत है वो हमेशा गलत है। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि विजन बने आपकी आवाज़, तो नीचे गए नंबर पर हमसे राब्ता कीजिए। दीजिए हमें इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।